गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 15 तारीख दिन मंगलवार, केसरपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ प्याज मंडी में, लेकिन अभी जो है दोस्तों जिस तरह का माहौल, जिस तरह का ग्राहक देख रहा है, बिक्री जो है काफ़ी सुस्त है। दोस्तों एक बार आप सभी को प्याज का क्वालिटी दिखा दूँ, कुछ इस तरह का मंडियों में प्याज का क्वालिटी आ रहा है। दोस्तों बाकी इधर जो सामने नज़र आ रहा है जी, थोड़ा सा आपको चमक रहा होगा लाल कलर का कट्टा, उधर जो है राजस्थान का दो गाड़ी लगा हुआ है, लेकिन रेट काफ़ी डाउन है राजस्थान वाले माल में भी। देखेंगे नए वाले प्याज का कितना प्रेशर बना हुआ है और अभी जो है पुराने प्याज में कितना बैलेंस है, कितना अभी जो है मंडियों के अंदर जो है गाड़ी आ रहा है, और केशवपुर मंडी में जो है दोस्तों कितना गाड़ी पर डे क्लियर हो रहा है, ये सारा जानकारी लेंगे एक एक करके आरती साहब से, और जानने की कोशिश करेंगे अभी जो है एमपी या फिर महाराष्ट्र का प्याज जो है कितने महीने और खींचेगा। और दोस्तों साथ ही साथ जो है आरती साहब से तो लेंगे ही लेंगे रिपोर्ट, लेकिन हमारे सामने जो है 52 साल के तजुर्बेकार आदमी भी है, उनसे भी थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करेंगे। बाकी पहले सर से जानकारी लेते हैं, अभी जो है प्याज का क्या चल रहा है पोजिशन और आने वाले दिनों में जो है क्या देखने को मिलेगा। हाँ जी नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी आज का अराइवल का बताओ, अराइवल जो है मंडी के अंदर कितना है और अभी जो है पुराने प्याज में किस तरह का प्रेशर बना हुआ है। सर मैं केशवपुर मंडी से बोल रहा हूँ, दुकान नंबर 40 है। सर इस टाइम हमारी मंडी में जो अराइवल है वो 12 गाड़ी बाहर के माल है और करीब 900 कट्टा राजस्थान खैरतल का जो नया चला वो है। अच्छा जी। इस टाइम ज़्यादा जो अराइवल है सर वो मध्य प्रदेश एमपी माल ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी। तो इस टाइम एमपी की सर जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मालों के अंदर। अच्छा जी। जो एमपी के माल आप अगर मान के चले 15 रुपये से लेके ऊपर में ऊपर 22 रुपये किलो। अच्छा जी। क्वालिटी के अनुसार। अच्छा जी। आप ये देख रहे हैं ये पूना बेल्ट के माल है। अच्छा जी। माल ये भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है इस टाइम। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ये भी पुराने प्याज हो चुके हैं तो छिलका पत्ती इनकी भी कमजोर हो चुकी है। हाँ जी। इनकी जो रेंज है सर वो 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो। अच्छा जी। बाकी राजस्थान का तो आपको आइडिया है ही कि इस टाइम जो अगेती फसल है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि 30% नुकसान है। अच्छा जी। लेकिन जहाँ तक हमारे को नॉलेज मिली है कि नुकसान करीब करीब 50% से ऊपर का है। अच्छा जी। और जो पिछेती आएगी सर उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कोई हमको प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि इसमें दागी वागी की शिकायत कम मिलेगी। अच्छा जी। फिर भी साइज उतना बढ़िया नहीं आएगा पिछेती में। अच्छा जी। बाकी तो समय अनुसार पता पड़ेगा, लेकिन जितने अभी तक की रिपोर्ट अपडेट है वो ये है। सर जैसा कि अलवर का रिपोर्ट निकल करके आया था, जो अगेती प्याज है उसमें बारिश का भी मार देखने को मिला, कुछ रोग का भी मार देखने को मिला, तो जो हमारे किसान भाई है जिन्होंने अगेती में लगाया था तो उनको कहाँ तक नुकसान झेलने को मिलेगा और सर कहाँ तक जो है मुनाफा देखने को मिलेगा। सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नुकसान तो इस बार जो अगेती फसल है उसमें मौसम की वजह से मार तो बहुत पड़ी है, मतलब 30% कह रहे हैं, लेकिन जितनी हमारे को नॉलेज है वो मोर देन 50% है नुकसान। अच्छा जी। जो फसल है वो मोर देन 50% खराब हो चुकी है फसल। अच्छा जी। कारण प्याज में क्या है कि एक तो साइज नहीं बनेगा। हाँ जी। दूसरा दागी बन के शिकायत आएगी, गोली उल्टा ज्यादा निकल के आएंगे। अच्छा जी। तो कुल मिला के देखिए जो किसान एक पूरा साल एक ही फसल पे निर्भर करता है। हाँ जी हाँ जी। और अचानक उसको इतना हो जाए तो नुकसान तो उसको। हाँ जी। निश्चित रूप से सही बात है सर, आपने सही बोला। एक जो सर अन्नदाता है, जो एक हमारे किसान है, वो मेहनत करते हैं एक उम्मीद और एक आस को लेकर के, जो उनका दो पैसे बने, दो पैसे का जो है व्यापार हो, लेकिन कभी मौसम का मार या कभी मार्केट का मार उनको झेलना ही पड़ता है और कई साल से झेलते ही आ रहे हैं जी। तो सर जो पिछेती प्याज है उसमें कुछ चांस मिलने का है या नहीं है सर? सर पिछेती में जो अगेती के माल है उनके कंपैरेटिवली माल तो ठीक आएंगे। अच्छा। लेकिन माल फिर भी जो पिछेती माल है वो भी साइज उनका भी बढ़िया नहीं निकल के आया। अच्छा जी। मतलब इम्पैक्ट तो पिछेती पे भी है, लेकिन अगेती पे ज्यादा है, पिछेती पे कम है, लेकिन फिर भी पिछेती माल जो आएंगे आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल पूरे भरपूर बन के आएंगे, वो भी नहीं आएंगे। अच्छा जी। नुकसान उसमें भी है। तो सर जिस तरह से मार्केट चढ़ के डाउन हुआ है तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर सीधी सी बात है कि ये सबसे बड़ी बात तो जो मौसम है ये तो किसी के हाथ में है ही नहीं। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि जो लोगों ने इस बार अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल फेल हो गया। हाँ जी। जैसे स्टॉक वाले ये जो उस टाइम आ रहे हैं सब स्टॉक वाले माल आ रहे हैं। हाँ जी। हालांकि उस टाइम बाजार बीच में काफी अच्छा था। हाँ जी। लेकिन फिर भी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज लोगों को ये अंदेशा रहा कि भाई पीछे जैसे राजस्थान की फसल खराब हो चुकी है तो सबको इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा और लेट निकालेंगे ताकि भाव बन जाए। हाँ जी हाँ जी। लेकिन सर चीज बिल्कुल उल्टी हो गई है इस टाइम, अब उल्टा अराइवल ज्यादा है और प्रेशर कम है मार्केट में। अच्छा जी। तो सर अभी भी कुछ लोगों का कहना है 15 दिन बाद 20 दिन बाद जो है प्याज में तेजी देखने को मिलेगा,
तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? सर देखिए 15-20 दिन बाद अगर आप तेजी का बात करेंगे तो मैं तेजी तो नहीं मानता, लेकिन हाँ ये है कि जैसे अभी सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेल डाउन हो चुकी है, सेल में थोड़ा सा प्रेशर बन जाएगा, सेल निकल के आ जाएगी। अच्छा जी, रेट्स का ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। अच्छा जी, लेकिन भाव में चाह ना हो लेकिन सेल में जरूर प्रेशर पड़ जाएगा, सेल निकल के आ जाएगा। अच्छा जी, तो सर जैसा कि अभी अलवर स्टार्ट है तो नए प्याज में और कितने दिन बाद कौन कौन सा एरिया स्टार्ट हो जाएगा सर? एमपी स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, एमपी की जो नई फसल है वो स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पीछे 4-5 हजार कट्टा आना शुरू हो भी चुका है वहाँ पर। अच्छा जी, और इस बार गुजरात भी जल्दी आ जाएगा। अच्छा जी, जो गुजरात के माल हैं राजकोट वगैरह से रिपोर्ट आ गई है कि 10-15 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। अच्छा जी, गुजरात वाली बेल्ट जो है। अच्छा जी, तो नई फसलें तो सर टाइम के अकॉर्डिंगली इसी एक महीने के अंदर शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, जो बाहर की नई फसलें हैं राजस्थान के, अच्छा वो भी चालू हो ही जाएंगी। अच्छा, बाकी दिल्ली में अगले महीने वो माल भी आना शुरू हो जाएंगे, जो दशावर जिसको हम कहते हैं जो बाहर के माल है, चाहे वो एमपी हो गया, चाहे गुजरात हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, वो भी देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा जी, और सर जैसा कि लोग बता रहे थे बिहार में शॉर्टेज है, यूपी में शॉर्टेज है और अपना जो है साउथ के तरफ पूरा शॉर्टेज है प्याज का, तो उस बारे में क्या कहना चाहते हो सर? सर शॉर्टेज सबका, मैंने जैसे आपको बताया कि सभी इसी अंदेशे में बैठे थे कि शॉर्टेज है, उसी चक्कर में लोगों ने स्टॉक अपना खोला ही नहीं। सबको अंदेशा ये था कि आने वाले टाइम में क्योंकि माल की खराबी हो गई, जैसे राजस्थान की रिपोर्ट आई थी जी, तो इसलिए सबने लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ था। लेकिन आज की तारीख में आज क्या, अब आप पिछले 15 दिन उठा के देख लीजिए, आप किसी भी मंडी में चले जाइए जी, जी जिस मंडी में जितनी अराइवल है उल्टा उसमें भी सेल पॉइंट है नहीं। रीजन ये है कि इस टाइम भरपूर माल स्टॉक का जो है वो बहुत है। तो सर अभी अगर एज ए क्वालिटी अगर बात करें तो किस तरह का क्वालिटी ज्यादा बचा हुआ है सर? सर क्वालिटी तो बहुत ज्यादा बढ़िया है भी नहीं इस टाइम, अगर आप देखेंगे कि प्याज को टाइम बहुत हो गया स्टॉक की। हाँ जी, स्टॉक वाले प्याज में धीरे धीरे आगे उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो आपको देखने को भी मिलेगी इस टाइम जी जी जी। छिलका पत्ती बहुत मतलब कमजोर हो चुका है, छिलका पत्ती बिल्कुल कमजोर हो चुका है जी। अब क्योंकि छिलका पत्ती कमजोर हो गया तो उसके कारण धागीपन की शिकायत भी आना शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब चीजें क्योंकि लंबे टाइम से पुराने प्याज है, काफी टाइम से स्टॉक हुए हुए थे, हाँ जी, टाइम से इनको निकाला नहीं गया जी, तो उसकी वजह से अब आपको दिख रहा हो क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया बन के नहीं आ रही है इस टाइम। तो अभी जो भी किसान भाइयों ने या व्यापारी भाइयों ने स्टॉक करके रखा है सर, जिनका एवरेज क्वालिटी का माल है, उनको क्या करना चाहिए इस समय सर, क्या राय लेना चाहिए? सर देखिए बहुत सिंपल सी बात ये है, माल अपने आप को खुद बिकवाता है। अगर मान के चलो आपकी क्वालिटी में अभी इस टाइम प्रेशर बना हुआ है, मतलब क्वालिटी आपकी मेंटेन है, तो फिर भी एक बार को आप चांस ले सकते हो रुकने के लिए। लेकिन मान के चलो अगर क्वालिटी में दम ही नहीं है आपके, छिलका पत्ती कमजोर हो चुकी है, दागी हो गई है, फिर रेट से मतलब ही नहीं, फिर तो आपको निकालना ही पड़ेगा सर। आने वाले टाइम में अगर थोड़ा टाइम और रखेंगे तो और खराबी आ जाएगी इसमें। हाँ जी, तो अगर क्वालिटी आपके पास है अभी इस टाइम तो फिर भी आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है, पीछे की बात करो सर, यहाँ हमारे पास कुछ है ही नहीं यहाँ रुकने का, हमारे यहाँ तो आए और बिका, मैं पीछे की बात कर रहा हूँ जहाँ किसानों के पास इसका माल है जी। लेकिन अगर मालूम में 19-20 की कमी है तो उनको निकालना चाहिए निश्चित रूप से। अच्छा जी, और सर जी अगर वहीं बात करें अगर नासिक वाले प्याज का, तो नासिक में क्या रेट देखने को मिला सर, नासिक का प्याज? सर यहाँ पर जो नासिक के प्याज हैं वो बिक रहे हैं 18 रुपए से लेके 22-23 रुपए के। अच्छा जी, क्वालिटी उनकी भी बहुत बढ़िया इस टाइम नहीं आ रही है। अच्छा जी, और एमपी का? एमपी सर 15 रुपए से लेके 22 रुपए के। और राजस्थान सर? राजस्थान सर मानो आप 10 रुपए से लेके 18 रुपए के। अच्छा जी, और वहीं बात करें अलवर वाले प्याज का, तो उसका क्या रेट बिक रहा है? राजस्थान में अलवर की बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अलवर की क्वालिटी इस टाइम बढ़िया आने रही है, तो 9-10 रुपए से लेके ऊपर 17-18 रुपए। 17-18 रुपए जी। अच्छा जी, नए वाले प्याज का? नए वाले प्याज की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, और सर जी अगर वहीं अगर बात करें नैफेड वाले प्याज का, तो नैफेड के पास अभी कितना बैलेंस है और क्या भाव बिक रहा है सर? नैफेड का सर इतना मेरे को पूरा क्लियर आइडिया होगा नहीं। अच्छा, बाकी बाजार क्योंकि वो नासिक के माल है तो क्वालिटी उनके पास भी सेम वही है जो आ रही है इस टाइम। नैफेड वाले माल भी इस टाइम अगर मार्केट में आते हैं तो 18 से लेके 22 रुपए। अच्छा, और पुराना जो प्याज है सर अभी कितने महीने टोटल खींचेगा सर? सर अभी ये स्टॉक बेसिकली क्या होता है कि इतनी क्लैरिटी होती नहीं स्टॉक के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, अब मान के चलो एमपी जैसे हमारे आइडिया से कि पिछले प्रेशर कम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि एमपी में बहुत प्याज पड़ा है इस टाइम। अच्छा जी, तो इतनी क्लैरिटी सर पूरी मिलती नहीं है स्टॉक की हमारे को, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं काफी दूर हैं, जितनी हमारे को ऊपर से रिपोर्ट आती है हम तो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। जी जी जी, ये जो 25%, 30% का जो अनुमान लगाया जा रहा था, ये काफी दिन से अनुमान लग रहा है, उस हिसाब से तो अभी सर 15%, 10% बचना चाहिए था जी, लेकिन अभी काफी माल है सर मार्केट में। जी सर, जी सर, उसका रीजन एक तो ये भी है कि सेल बहुत कम हो चुकी है, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन जैसे मार्केट में आप कोई सी मार्केट आप देखें तो जहाँ पर रेगुलर सेल जितनी होती थी उससे कम हो चुकी है सेल। हाँ जी, वो भी रीजन है, मान के चलो हमारी मंडी में अगर 8 से 10 गाड़ी रोज की बिकती है, सेल कम होकर 5 से 6 गाड़ी की हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी सर फर्क, ऐसी सारी मंडियों फर्क पड़ गया इस टाइम। हाँ जी, जो बेसिकली सेल का प्रेशर था वो कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, उसके चक्कर में भी जो पीछे निकासी है वो कम हो चुकी है और आगे सेल कम हो चुकी है। अच्छा, और लोडिंग मंडी में भी प्रेशर बना हुआ है या सर इसी तरह का माहौल है जी? सर
बिल्कुल उदासी सब जगह है इस टाइम। अगर आप सेल पॉइंट पे उसे देखेंगे तो अगर लोडिंग हो चाहे रिटेल मंडी है, प्रेशर वहाँ पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा जी जी सर जी, एक बार जो अपना आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। श्योर सर। सर मेरा फर्म का नाम है अर्जुन दास एंड सन्स, शॉप नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मेरा नाम सोनू है। अच्छा जी, और किस किस राज्य से सर आप प्याज का काम करते हैं सर, एक बार ये भी बता दीजिए। प्याज का काम करते हैं तो जो सीजनल प्याज है जहाँ जिस एरिया की चलती है उस एरिया का ही करना पड़ता है। अच्छा जी। वो चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, एमपी हो, गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अच्छा जी। जब सीजनल चलते हैं सर तो हमारे को सीजनल के हिसाब से जहाँ का माल चल रहा होता है वहीं का काम करना होता है। ओके जी जी, धन्यवाद सर जी आपका बहुत बहुत। दोस्तों अगर आप सभी भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।